विदिशा जिले के गंज बासुदा शहर में एसडीएम राजेश मेहता ने आला अधिकारियों के साथ सड़क किनारे मटके बेच रहे बच्चों पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन का हवाला देते हुए कार्यवाही कर दी और बच्चों के दर्जनों मटके नगर पालिका की गाड़ी बुलाकर जब्त कर लिए। बच्चों ने प्रशासन के आला अधिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन किया, लेकिन साहब दुकान यहाँ लगाने पर बच्चों पर बरसते रहे। रोते बिलखते बच्चों ने कहा, हम किसी प्रकार की भीड़ लगाकर मटके नहीं बेच रहे थे, फिर भी प्रशासन ने हमारे मटके जब्त कर लिए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि नगरपालिका के कर्मचारी दर्जनों मटके नगरपालिका की गाड़ी में भरकर ले जा रहे हैं। आप यह सोच रहे होंगे कि गर्मी को देखते हुए नगरपालिका शहर में प्याऊ की व्यवस्था करेगी। नगरपालिका शायद दर्जनों की तादाद में मटके भरकर ले जा रहे हैं, इसलिए शायद दर्जनों की तादाद में मटके भरकर ले जा रहे हैं, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल दर्जनों मटके एसडीएम साहब के आदेश पर गरीब बच्चों से जब्त किए हैं। उनका गुनाह यह था कि वह सड़क के किनारे मिट्टी से बने मटके बेच रहे हैं। यह कोरोना वायरस का उल्लंघन है, लेकिन गरीब बच्चों की माने तो उनकी यह बेचना मजबूरी थी। पूरे साल धंधे चौपट रहे, गर्मी के सीजन में थोड़ी बहुत खरीदारी होती थी, इसलिए इस बच्चे ने ब्याज से पैसे लेकर मटके बनवाए और जयस्तंभ चौक पर मटके बेचने आ गए, लेकिन साहब को बच्चे पर तरस नहीं आया और पुलिस और नगरपालिका के साथ साहब ने गरीब बच्चों के मटके नगरपालिका की लोडिंग गाड़ी बुलाकर भरवा दिए। बच्चा रोता रहा, अपना दर्द बताता रहा, माफ़ी मांगता रहा, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने जरा सी भी नहीं सोची और सारे मटके भरकर ले गए। वहीं बच्चे पर चालानी कार्यवाही करने की बात कही। वहीं बच्चे का कहना था कि मेरे घर में माँ खत्म हो गई है, पैसे नहीं है, हमारी मजबूरी है कि हम कुछ बेच कर घर का गुजारा कर सकें। हमारी दुकान पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, हम शासन की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, दिन में एक या दो मटके बिकते हैं, जैसे तैसे घर का गुजारा चल जाता है, लेकिन साहब ने हमारे साथ अन्याय कर दिया। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज एक छोटे से मटके की दुकानदार पर कार्रवाई हुई है, जिसमें वो अपना रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दुकानदारी कर रहा था। क्या कहेंगे आप? देखिए, देश में और प्रदेश में झूठों की सरकार है, जो सिर्फ और सिर्फ दिनभर टीवी पे झूठ बोलते हैं, समाचार पत्रों में झूठ बोलते हैं, सोशल मीडिया में झूठ बोलते हैं। कोरोना जैसी महामारी फैलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। मैं भी दमोह चुनाव में था, दमोह की जनता करा रही थी कि ये चुनाव क्यों एक गद्दार की वजह से लाद दिया गया है। और अभी मैं परसों दमोह था, काउंटिंग के दिन कोरोना का बम फूट रहा है, लोगों के धंधे तहस नहस हो गए, लोगों की दिनचर्या तहस नहस हो गई, और तो और अर्थियों को कंधा देने वाले नहीं है, शमशान घाटों में जगह नहीं है। और जहां तक हम मटके की बात करें, मटके वालों की बात करें, तो मैं तो कहना चाहता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए इंदौर में गोले बनाए थे और कहा था कि गोले के अंदर आदमी रहे और अपना व्यापार करे, तो क्या इंदौर मध्य प्रदेश से के बाहर है? क्या गंज बासुदा मध्य प्रदेश के बाहर है? जब इंदौर मध्य प्रदेश में है तो गंज बासुदा भी मध्य प्रदेश में है। हमारी मांग है कि चाहे मटके वाले हों, चाहे सब्जी वाले हों, चाहे किसी भी तरह का व्यवसाय करने वाले लोग हों, जिनको आपने अनुमति दी है उनके दुकान के बाहर, प्रतिष्ठान के बाहर आज प्रशासन गोला बना दे, और उस गोले के बाहर यदि कोई होता है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। मगर यदि आप किसी को रोजी रोटी दे नहीं सकते तो मत छीनो, और यदि आप छीन रहे हो तो प्रति व्यक्ति जितने भी तरह के लोग काम कर रहे हैं, चाहे दुकान पे काम कर रहे हो, साइकिल रिक्शा चला रहे हो, ऑटो चला रहे हो, बढ़ई का काम कर रहे हो, जूते का काम कर रहे हो, किसी भी तरह का काम कर रहे हो, मंडी के हम्माल हो, किसी भी तरह का काम कर रहे हो, उनको 10,000 रुपये प्रति मान के हिसाब से प्रति माह आप उनको पैसा दीजिए। नहीं तो जे पेट की आँख मुख्यमंत्री जी, अभी तो आपको दमोह में आईना दिखाया है, आने वाले समय में इस पेट की आग का पूरे मध्य प्रदेश की जनता जवाब देगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।